हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन इज डिफाइन द फैगोसाइटोसिस। हमें फैगोसाइटोसिस डिफाइन करना है क्या? तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। तो एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन। तो फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस, फैगोसाइटोसिस इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द फैगोसाइटिक सेल, जो फैगोसाइटिक सेल रहते हैं ना, फैगोसाइटिक सेल सपोज दैट इज योर डब्ल्यू बी सीज, आर इनगल्फ द फॉरन पार्टिकल्स, द फॉरन पार्टिकल्स दैट इज पैथोजन्स और एंटीजन्स एंड डिस्ट्रॉइंग इट, एंड डिस्ट्रॉय इट इनसाइड द सेल, डिस्ट्रॉय इट इनसाइड द सेल। इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। नॉर्मली फैगोसाइटोसिस क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो इम्यून सेल होते हैं वो हमें फॉरेन पार्टिकल जैसे पैथोजन्स या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उनको इंगल्फ करते हैं, और इंगल्फ करके उनको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं सेल के अंदर। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं हम फैगोसाइटोसिस। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।